आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं। गिरफ्तार हुए दुष्कर्म के आरोपियों का संबंध बीजेपी से होने पर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर वाराणसी स्थित पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। गुरुधाम चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क जाने से रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। दुष्कर्म के गिरफ्तार आरोपियों का संबंध बीजेपी आईटी सेल से होने के आरोप को लेकर आक्रोशित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुबाग से पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय की तरफ जैसे ही रुक किया, पुलिस ने सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पुलिस के द्वारा रास्ता रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारियों में जमकर कहासुनी हुई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, जिससे पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कांग्रेस के जिला और महानगर सहित प्रदेश के कई पदाधिकारियों की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट काशी जोन के डीसीपी आरएस गौतम और एसीपी बेलूपुर सहित महिला पुलिसकर्मी पीएससी के साथ कई थानों की पुलिस टीम मौजूद रही। आज काशी की जनता इसलिए उद्वेलित है क्योंकि ये रेपिस्टों को बचाने वाले लोग हैं। इनके पास न अपनी बेटियां हैं न इनका परिवार है, इसलिए इनको बेटियों के उस अस्मत के लुटने का कोई दर्द नहीं है। सवाल ये है कि जो बुलडोजर संस्कृति की बात करते थे, क्या अपने भाजपाई पदाधिकारियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे? ये काशी की जनता का सवाल है। कांग्रेस बुलडोजर नीति का विरोध करती है, बुलडोजर नीति का समर्थन करने वाली नहीं है, हमको कानून पे भरोसा है। लेकिन बरबस ये सवाल तो खड़ा है, क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करेगी?